ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन कौन से ऑड वन आउट है? दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड। कैन यू सी दिस? तो खैर, जो हम ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे थे ना, कि ऑड वन आउट करने का मतलब क्या है, या जब हम बोलते हैं ऑड वन है, हाँ वो अब देखिए मेरा मन ही ऐसा है, क्या करूं, मानता ही नहीं। तो जितने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं खुद ही सॉल्व कर डालता हूँ। चलिए, तो अगर एक बार जल्दी से आपको याद दिलाऊं, तो कल हम बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी की, और ग्रुप थ्योरी के अंदर जो सारे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए थे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देन ऑब्वियसली सेमी ग्रुप, देन उसके बाद हमने बात की मोनोइड की, ग्रुप की और एबिलियन ग्रुप की, और उसके बाद कुछ दो चार क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, रिमेम्बर? चलिए अब जरा डिस्कशन को एक बार आगे बढ़ाते हैं, एक दो केस जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे, आप मुझे बताइएगा कहाँ क्या कहानी है, और फिर उसको आगे जज करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप। क्वेश्चन समझ रहे हो? ये नहीं पूछ रहा कौन सा ग्रुप है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप। आई होप आपने क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई जरूर किया होगा, तो एक बार जरा ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं आंसर क्या है, इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप। बहुत अच्छे, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि आपने एटलीस्ट एक बार ट्राई किया है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया, एक बार कोशिश करो, हो सकता है अभी भी आपको समझ आ जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप एक बात रियलाइज करोगे कि यहाँ पे सही आंसर आइडेंटिफाई करना आसान है, गलत आंसर में हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको लगे। दैट इज सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, कभी कभी इट्स अदर वे राउंड, है ना, कभी कभी गलत ऑप्शन ढूंढना आसान होता है, सही पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता है। अच्छा, अगर मैं एक एक करके बात करूं, इफ आई गो वन बाय वन, पहले 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको। ओके, देखिए ऐसा नहीं कि मैं कहीं घूम मुझे कहीं कहीं काम के सिलसिले में जाना होता है, बट मैं आ रहा हूं अहमदाबाद, आई एम कमिंग टू अहमदाबाद ऑन 25th of March। ओके, इफ आई चेक आउट द ऑप्शन, 9% वोट इधर है, 6% इधर है, 36% इधर है, एंड 49% वोट इधर है। मैच देखने नहीं, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है मोरबी, गुजरात में। सो फॉर अ वन डे मुझे मोरबी जाना है, तो जस्ट इस वजह से मैं आ रहा हूँ, फॉर सिंगल डे एंड देन आई विल गो बैक।
मैं एक बार इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, एयरपोर्ट पे जो आना चाहे मैं सबसे मुलाकात करूंगा। चलिए अब जरा पहले इस क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, नाउ लुक एट दिस। वैसे तो सबसे आसान ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। कंफ्यूजन एक बार को हो सकता है कि आपको ये सोचने में डाउट हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बट आप मुझे बताएं क्या 0 एक वैलिड कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर मैं बोलूं व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच कंटेन रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, सो नाउ इफ आई राइट लाइक 0 + 0 iota और i0, नाउ दिस इज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ओके। अब सवाल है कि अगर आप बोल रहे हैं ग्रुप है, तो ग्रुप में तो कौन से चार प्रॉपर्टी अपन ने याद किए हैं कल टिप्स पे, होना चाहिए चार प्रॉपर्टी: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यस, तो मेरा सवाल सिर्फ एक है कि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, मुझे बताओ। आइडेंटिटी होता है 1, हमने सीखा है। तो मेरा सवाल सिर्फ यही होगा, 0 में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिला, और ऑब्वियसली यहां पर आंसर है नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो क्या 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर बाकी सब बेईमानी है, इसका मतलब 100% ये काम नहीं करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? सो ऑप्शन डी इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रुप। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया। अब हालांकि ये इतना आसान है क्योंकि इसने नॉट ग्रुप पूछा है, तो यही यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अब अगर मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन पे जाऊं तो देखिए, जिन लोगों ने अलग अलग चेक किया है, सर प्लीज चेक एसोसिएटिविटी फॉर ऑप्शन सी। मैं बिल्कुल बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे चलो मैं एक एक करके बात करता हूँ। नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, क्या आपको नजर आ रहा है, इज इट अ सेट ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर? इट इज अ इवन नंबर, और जो ऑपरेटर हमारे पास है वो क्या ऑपरेटर है? वी हैव एडिशन, इवन नंबर विद एडिशन। यस, बहुत अच्छे। तब आप मुझे बताएं, ये बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है, जब इवन नंबर की एडिशन के साथ आप बात करेंगे तो क्या क्लोजर है? लेट मी गो वन बाय वन। क्लोजर होगा, यस होगा, दो इवन नंबर को ऐड करने में इवन नंबर मिलता है। जब मैं एसोसिएटिविटी की बात करता हूँ, तो एक बात अब मैं अलग से पूछ लेता हूँ, क्या मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये दोनों ऑपरेटर एसोसिएटिव है ना? अभी कोई पूछ रहा था सर ऑप्शन सी एक बार बता दो एसोसिएटिव कैसे होगा। यार मुझे एक बात बताओ, सेट पे डिपेंड करता है एसोसिएटिविटी या ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है? ऑपरेटर पे कर रहा है। तो मैं नेचुरल नंबर को करूं, इंटीजर को करूं, रियल नंबर को करूं, मैट्रिक्स को करूं, 2 की पावर को करूं, उस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यार एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव है, तो फिर आप मुझसे नहीं बोलोगे ऑप्शन सी में एसोसिएटिविटी बताओ, बिकॉज अगर मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव होगा, इजंट इट? सोचो इस बात को एक बार। कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट 99% ऑफ द टाइम डायरेक्टली आप इस बात को फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो खैर एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी, ऑब्वियसली यू हैव 0 विच इज आइडेंटिटी, और इनवर्स की बात करूं तो आपके सामने नजर आ रहा है 0 का इनवर्स कौन है, 2 का इनवर्स कौन है, -2, 4 का -4, 6 का -6। सो यस, दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप, और बिकॉज ये ग्रुप है, पूछा गया था ग्रुप या नॉट ग्रुप, पूछा गया था नॉट ग्रुप, सो ऑप्शन ए नाउ कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। जिन 9% लोगों ने इसको सही आंसर बोला है, जरा एक बार फिगर आउट करिए भाई कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आई थी, या फिर आपने क्वेश्चन ही नहीं इस ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने ग्रुप मान के आंसर कर दिया। जो भी है, चेक करो इसको एक बार। नाउ व्हेन आई चेक आउट दिस, यहां पर आप किसी वैल्यू के कर सकते हो, जैसे यहां पर 2 है, मान लीजिए मैं k की वैल्यू अगर 3 मान लू, इफ आई टेक k इक्वल टू 3, बताओगे जरा क्या होगा? मेरे को 0 मिलेगा, मेरे को 3 मिलेगा, मेरे को 6 मिलेगा, मेरे को 9 मिलेगा, सो ऑन एंड सो फॉर। इधर -3 मिलेगा, -6 मिलेगा, -9 मिलेगा, एज इट इज चलने लगेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने तो एडिटिव की जगह, मतलब खैर जो भी है आप समझ गए ना, शांतनु बहुत बढ़िया। इधर बताओ,
क्लोजर है, हाँ है। जीरो के फैक्टर को अगर जीरो, थ्री के मल्टीपल को अगर थ्री के मल्टीपल से ऐड करूंगा तो क्या थ्री का मल्टीपल मिलेगा? यस, बहुत अच्छे। उसके बाद एसोसिएटिविटी, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, एडिशन एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी, एडिशन का आइडेंटिटी जीरो आपके सामने है। रही बात इनवर्स की, तो थ्री का इनवर्स -3, सिक्स का इनवर्स -6, नाइन का इनवर्स -9, सब कुछ हमारे पास है। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर भी ग्रुप है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे, इसमें 10 मिनट स्पेंड करेंगे तो आपको मजा आएगा। के बिलोंग टू जेड निधि, जेड मतलब इंटीजर, हमने पहले इस बात को ऑब्जर्व किया, इसमें कोई डाउट है क्या? तो आप किसी भी जेड के साथ चेक कर सकते हो, के पास पूरी पॉसिबिलिटी की वो कोई भी जेड के साथ ऑपरेट करे। अच्छा, अब अगर ये लास्ट वाला मैं ऑब्जर्व करूं, जरा इसकी बात पे गौर करिए, बोल रहा है 2 की पावर एन, एंड एन इज एन इंटीजर, तो जरा बताओ कि सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, सो ऑन एंड सो फॉर, एंड सिमिलरली 2 रेस टू पावर -1, 2 रेस टू पावर -2, -3, एंड सो ऑन एंड सो फॉर विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। स्टेटमेंट 1, क्या ये अगेन क्लोज्ड है? जब 2 की पावर को आप 2 की पावर से ऑपरेट करेंगे तो क्या रिजल्ट भी 2 की पावर ही मिलेगा? 2 रेस टू पावर a इंटू 2 रेस टू पावर b इज नथिंग बट 2 रेस टू पावर a+b, और अगर a और b इंटीजर हैं तो a+b भी इंटीजर होगा, तो क्लोज्ड 100% होल्ड करेगा। यस yes? उसके बाद अगर नेक्स्ट आइडिया आप ऑब्जर्व करेंगे, विच इज व्हाट, एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। अगर आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी है 1, क्या यहां पर 1 है? हाँ है ना। एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1, तो 2 का पावर 0 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑब्वियसली 1 की तरह बिहेव कर रहा है, आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। रही बात इनवर्स की, 2 की पावर 1 का इनवर्स कौन है? 2 की पावर -1। जब दोनों को ऑपरेट करूंगा तो दोबारा 2 की पावर 0 यानी कि 1 मिलेगा। 2 की पावर 3 का इनवर्स कौन है? 2 की पावर -3, ऑपरेट करने पर 1 मिलेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो समझ आएगा चारों कंडीशन होल्ड कर रही है, तो अगेन दिस ऑल्सो इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो डी तो गलत है, लेकिन बाकी डी सही है, मतलब क्योंकि वो ग्रुप नहीं है, बाकी क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अच्छा, इनवर्स कर दो सी का, चुल्ला शांत करो अपना, जब मैं सारे ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ कमेंट करने की जरूरत थी क्या? सर क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ग्रुप ढूंढने को बोला है, ना कि नॉट एबेलियन ग्रुप, तो ऑप्शन डी में इनवर्स एलिमेंट सर्च करना सही रहेगा? राहुल पूछ रहे हैं कुछ, ऑप्शन डी में इनवर्स एलिमेंट, क्या इनवर्स का लेना देना एबिलियन ग्रुप से है या ग्रुप से? राहुल, इनवर्स प्रॉपर्टी का लेना देना एबिलियन ग्रुप से है या ग्रुप से? राहुल गोगोई, जनाब राहुल गोगोई, गलती हो गई। अरे गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, सोचिए आप इसी बात में कंफ्यूज हैं, आपको भी प्रॉपर्टी का सीक्वेंस भी याद नहीं हुआ है, इजंट इट? आप ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि ग्रुप बनने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। आपने रंजन गोगोई का नाम सुना है? राहुल गोगोई साहब, रंजन गोगोई का नाम सुना है आपने? सुना है, अगर उनकी कोर्ट में होते अब तक आपको उम्र कैद दे दी होती, ये अपराध किया आपने। हमारे एक्स चीफ जस्टिस है, कोई बात नहीं, खैर ये तो पूरा जेड की तरह ही बिहेव करेगा ना सर? नहीं, आधा जेड भी कुछ होता है क्या? निधि का भी भैया अपना अलग गेम चल रहा है, आधा जेड कुछ होता है? टू का पावर जीरो का इनवर्स -1 होना चाहिए ना, नहीं तो वो फिर ग्रुप कैसे हुआ?
टू की पावर जीरो का इनवर्स माइनस वन होना चाहिए। अच्छा मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टू की पावर जीरो में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी वन मिले? क्या मैं ये सही लिख रहा हूं प्रिया कुमारी जी? अच्छा तो टू की पावर जीरो यानी कि वन ही होता है, तो वन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वन मिले? क्या अभी भी मैं सही लिख रहा हूं? जी तो अब अगर मैं यहां वन भरूं तो इससे कोई आपत्ति कोई ऐतराज होगा आपको कि वन में वन मल्टीप्लाई करूंगा तो वन मिलेगा? या आप बोलो तो मैं फिर लिख देता हूं टू की पावर जीरो, ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी है तो वो खुद अपना इनवर्स होगा। ओके सौर, समझ गई मैं, ऐड को लेके समझ गई थी। ये क्यों हो रहा है ऐसा? आधे लोग बोल रहे कि मैं ऑपरेशन नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा, वैल्यू नहीं देख पा रहे। भाई जब लिखा है मल्टीप्लिकेशन तो फिर एडिशन से क्यों आप सोच रहे थे? और उसके लिए पूरा कमेंट भी कर डाला आपने। कंसंट्रेट रहिए, प्रॉपर्टीज पे काम करिए, होमवर्क करिए, वरना मैं आपका भला नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? बताओ दुनिया में वो कौन सा डॉक्टर है जो बिना दवाई के बीमारी का इलाज कर सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है, भगवान कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई आपसे कहता है ना कि अब आप भगवान से बात करो और भगवान अब आपका इलाज करेगा, इसका मतलब आप टपकने वाले हो। आपको पता है ये बात? जो कह रहा है ना भगवान कर सकता है, मैं बता दूं आपको, व्हेन डॉक्टर्स कम टू यू, अभी मैंने कोशिश कर ली, अभी सब भगवान के हाथ में, इसका मतलब होने वाला काम आपका, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है कि बात भगवान के हाथ में चली गई है। तो भाई साहब आपको अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। मैं दवाई दे सकता हूँ, खाना तो आपको है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे या ऐसे सिली मिस्टेक्स करोगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, अभी कह रही है क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अच्छा क्वेश्चन था कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को देखो, आंसर बताओ क्या होगा। ये बड़े साधारण साधारण मासूम मासूम चिंटू मिंटू क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा एक एप्टीट्यूड डेवलप हो सके टुवर्ड्स द टॉपिक, और सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखने से काम ना चले। आधों को प्रॉपर्टी भी याद नहीं हो रहा है भाई साहब। अभी 1 साल है बट ये साल बहुत जल्दी निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा टाइम कैसे फ्लाई हो गया। ऐसा ना करें, इसको ध्यान से जरा ऑब्जर्व करें, समझें और फिर बताएं। फिर 1 महीना तो हो भी गया ना, और 2 हफ्ता रुक जाओ, आपका एक एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो आपको कंटिन्यूअसली टाइम देना है। सर सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, देखिए वो करनी पड़ेगी, इजंट इट? एक विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा नियम बना के, इतने से शुरू करो, बाद में फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करना। ग्रुप बनाओ, दो चार दोस्त पकड़ो जिनके साथ आप रिलेट कर सको, जो आपको लगे कि जो कुछ आपकी हेल्प करेंगे। देखिए खैर आप लोगों की समस्या इनफाइनाइट है, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ और आपको एक बात समझा सकता हूं। दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे बताओ? प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में और बहुत सारी हैं। एक दो बात आपको सोचनी है, पहले तो वो कि क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होती है क्या? नहीं। तो
आपको अपना जो टाइम है वो वही इन्वेस्ट करना है जहां से रिटर्न आने की उम्मीद हो। अगर शेयर मार्केट का हर शेयर आप खरीदोगे तो नो डाउट आप नुकसान में जाओगे बाद में, है ना। तो जहां तक असाइनमेंट की बात है, देखिए वो कम से कम एफर्ट में कैसे किया जा सकता है, देखिए उसको कॉपी कैसे कर सकते हो। उसमें भी लग रहा है कि अगर समय जा रहा है, आसपास पकड़ो कोई कि तुझे 10 रुपए देंगे, 4 पेज तू जरा लिख दे, मिल जाएगा कोई। थोड़ा दिमाग लगाया करो, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। ये तो असाइनमेंट की बात हुई, सोचो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो कर देगा। किसी को तो पैसे की जरूरत होगी। अब मैं खैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा था। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा हर समस्या का। रही बात क्लास की, कॉलेज जाना अब जो मजबूरी है वो करना है, वहां पर भी बहाने बनाओ, घर में समस्याएं गिनवाओ, कुछ 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 ट्राई करो ना, कीप ऑन ट्राइंग। अभी तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको मिलनी है। और अपना जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से काम करते लेके चलो। मैं तो बनवा लू अपनी छोटी बहन से, ये देखो ये एक लेवल नेक्स्ट पे खेल रही है, खुद तो बर्बाद हो रही है, उस बिचारी को और परेशान कर रही है। छोटे भाई से, यहाँ पे सभी ऐसे हैं क्या, जब अपने छोटे भाई बहनों को। वैसे मैंने भी ये काम, इस मतलब असाइनमेंट तो नहीं बट इस तरह के बहुत काम किए हैं, बड़े होने का कुछ फायदा तो मिले। खैर चलिए मैं दोबारा क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। कंसीडर अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद द ऑपरेशन डिफाइंड एज दिस। अच्छा ऑपरेशन बता रहा है, एम ऑपरेशन, एन की डेफिनेशन क्या लिख रहा है, इट इज एम प्लस एन प्लस टू। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एम प्लस एन प्लस टू। नाउ एम और एन दोनों इंटीजर हैं, कह रहा है जेड कॉमा स्टार फॉर्म्स अ ग्रुप। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहां पर ग्रुप बन रहा था या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपसे पूछ रहा था। वहां पर वो पूछ रहा था कि वेदर ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बट यहां पर क्या ये पहले से आपको बता रहा है कि ग्रुप है। ऑब्जर्व करिए जरा इस बात को। तो अब अगर ये ग्रुप है, अब अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये हमें बाय बाय यू नो डिफॉल्ट पता लग गया है। तो यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये हमें पता है। और आपको बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं आपसे दो दो इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि इस तरह के पैटर्न को आप फिगर आउट कर सको। वो क्या, अगर मैं किसी भी एलिमेंट ए को जो ऑब्वियसली इस ग्रुप से बिलोंग करता होगा, अगर मैं उसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर किसी भी एलिमेंट को मैं आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगा मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा क्योंकि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और क्योंकि मुझे बताया गया कि ये ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप। प्रिया कह रही इनवर्स मिलेगा, ए को ई से ऑपरेट कर रहे इनवर्स मिलेगा। वो असाइनमेंट खुद ही करो क्योंकि वैसे भी उस टाइम का आप कुछ खास भला कर नहीं पा रहे हो भाई। जब आइडेंटिटी से करते तब तो सेम एलिमेंट मिलता है। नहीं, अच्छा एक बात और पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मैं ए को ऑपरेट करूंगा आइडेंटिटी के साथ तो क्या मिलेगा। अब क्या मैं ए प्लस ई प्लस टू लिख सकता हूं, क्योंकि यार आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो है। मैं ए प्लस ई प्लस टू भी कर सकता हूं, एंड नाउ दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर टू। अब दोबारा ऑब्जर्व करिए इस बात को, पहली इक्वेशन आपको कैसे पता लगी, ग्रुप की प्रॉपर्टी है साहब, उससे डायरेक्ट हमने फिगर आउट कर लिया। और ये डेफिनेशन आपको कैसे पता लगी, ये डेफिनेशन इक्वेशन नंबर टू क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये दोनों बात फॉलो कर पा रहे हैं। अब समझदार को इशारा काफी है, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। यस, एंड व्हेन आई डू दैट, ये एक ऐसा पल आता था 7th 8th क्लास में जब दो इक्वेशंस को इक्वेट करते थे, बहुत खुशी होती थी मुझे। मैंने कहा ये लो बेटा अब बचाना तुम। दो इक्वेशन बनी, अब मौका है ना इक्वेट करने का, लुक कर दिया इक्वेट, एंड नाउ दैट इज ए प्लस ई प्लस टू, नाउ दैट गेट कैंसल्ड आउट एंड ऑब्वियसली ई इज इक्वल्स टू माइनस टू। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम वैल्यू तक पहुंच पा रहे हैं।
मुझे बताएं, हालांकि 71% लोगों ने डायरेक्टली -2 आंसर किया था, बट आप मुझे बताएं इससे साधारण तरीका हो सकता है क्या? अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको वो रामपुरी चाकू चलाना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? रामपुरी चाकू चलाना, सो दैट फिर धीरे धीरे आप बड़े हथियार तलवार वगैरह भी चला पाए। मुझे बताओ कैसे फिगर आउट किया, ये क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाह रहे हो? आपका मन कह रहा है कि एक क्वेश्चन अगर अगला ऐसा मिलेगा तो आप अपने आप को साबित करोगे, ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो ना ऐसा। ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने होमवर्क में सॉल्व किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इसे जरा ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा। पूरी कहानी लिखी हुई है, लगभग लगभग सेम तरह का पैटर्न है, और गौर करिएगा ट्रू बताना है कि नॉट ट्रू बताना है। हर्षवर्धन रिफ्रेश करो। यार एज ए टीचर मेरा मन करता है कि आप लोग के लिए मैं क्या करूं, बट आप लोग मैं समझ रहा हूं, कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप चाह रहे होते हो कि मेरे को पढ़ना, बस पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ऐसा है क्या? ईमानदारी से ऐसा होता है ना? अब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली हर किसी की इंटेंशन है, आपने सब्सक्रिप्शन भी लिया है, अपना समय भी दे रहे हैं। अब पढ़ने बैठते हैं, यूट्यूब की वीडियो खुल जाती है, इंस्टा की रील स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर कहते अच्छा सुई आ जाएगी ना ऊपर, 10 मिनट बाद पढ़ लूंगा, 10 मिनट माइंड रिफ्रेश करने लगता हूँ, फिर वो रूल तोड़ देते हो, फिर कहते हो 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद पढ़ लूंगा, फिर कहते हो अब तो थक गया, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ फिर पढ़ूंगा, फिर लगता होगा कि अभी थोड़ा सा खा लूँ, एक चाय पी लूँ फिर पढ़ूंगा, फिर सोचते चाय सिर्फ थोड़ी पीऊंगा, मैगी भी खा सकता हूँ साथ में, फिर कोई और, फिर कुछ और, फिर कुछ और इस तरह से यू नो इट गेट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन भाई कुछ भी YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए? हाँ चाहिए। मैं आपको एक बात समझाता हूं, ये कौन सी ऐप थी चाइना की बंद हो गई, टिकटॉक, टिकटॉक बैन हो गई इंडिया में, है ना, और टिकटॉक भी आप लोगों का बहुत समय खा रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, इंस्टा रील्स ने टिकटॉक को लगभग लगभग रिप्लेस कर दिया। हालांकि जिस घटिया लेवल की वीडियोस टिकटॉक में थी अभी इंस्टा पे उतनी नहीं आई है, बट धीरे धीरे आ जाएंगी। उसमें तो पुताई वाला, कबाड़ी, मजदूर, कौन कौन, मतलब आप नाम लो, वो टिकटॉक स्टार था। नहीं, हर आदमी, हर आदमी, मैंने टिकटॉक का नाम रखा था, टिकटॉक मतलब गरीबों का ट्विटर, टिकटॉक था गरीबों का ट्विटर, उसकी लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है, टिकटॉक उसको एक रिकॉग्निशन दे रहा है, इजंट इट, उसको बता रहा है कि यार तेरी कोई वैल्यू है, तू कुछ कर रहा है और वो कोई उसको लाइक कर रहा है, दैट इज इट, बट यही था। और केस स्टडी, एटीएम में गार्ड देखा आपने बैठा हुआ? कभी आप एटीएम में पैसा निकालने गए होंगे, गार्ड बैठा रहता है अंदर, उसके पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा सोचता था वो जरूर टिकटॉक करता होगा पूरे दिन बैठ के, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो बस यही किए जा रहा है सुबह से शाम तक। बट खैर,
मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। लो तो अब पॉइंट ये है, ये टिकटॉक वीडियो बनाना, ये इंस्टा की रील बनाना, ये आसान काम है कि मुश्किल काम है? जो लोग आपको दिखता है ना, यार ये पॉपुलर हो गए, इसके 10,000 फॉलोवर है, इसके 10 लाख फॉलोवर है। देखो, एक बनाना आसान है, दो बनाना आसान है, मेरी तरह कभी मूड आ जाए एक दिन बैठ के 3-4 बनाना आसान है, लेकिन रोज एक बनाना बहुत मुश्किल काम है ना? तो ऑब्वियसली मैं इस बात को मानता हूं कि भाई जो डेली बना रहा है, चाहे वो अच्छी बना रहा है, बकवास बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है जीवन में, एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन। इस बात को आप समझो, नथिंग ग्रेट इज एवर अचीव्ड विदाउट डिसिप्लिन। अब मुझे पता नहीं ये मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ कि कहीं से चुराया हुआ बोल रहा हूँ, लेकिन बात तो सेंस कर रही है। दुनिया में कुछ भी महान काम बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो फिर मेरा ही होगा, बट ये मैं जानता नहीं, मैंने समय के साथ सीखा है। मुझसे हो सकता है बहुत अच्छे पढ़ाने वाले, बहुत नॉलेजेबल लोग हो, बट पहला तो होता है एक यू नो एक 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 क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने लोगों ने सोचा होगा कि यार यूट्यूब पे कुछ बनाते हैं, यार बना लेंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। हिम्मत चाहिए पहली वीडियो बना के डालने के लिए, उसके बाद रोज बना के डालने के लिए और हिम्मत चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा काम है, कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप करने करके देखो तो आपको पता लगेगा। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन कभी ना कभी ऐसा करेगा, आपका मन नहीं करेगा, नहीं आज नहीं करना, बट उस दिन भी करना है। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। बस हमें अपने दिमाग को इस तरह से उलझाना है कि बात उस तक पहुंचे ना, उसे डिसीजन ना लेना हो कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि उसका फैसला आपको पता है, वो मना करेगा, कहते मेरे को नहीं पढ़ना। तो आप इतना डिसिप्लिन हो जाओ कि आप सोचो नहीं यार ये काम तो करना ही है, बस ये हैबिट हो गई है इस तरह से, है ना? अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन है, आप कितना मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब वो हैबिट आप ग्रुप स्टडी से बनाओ, आप इंडिविजुअल पढ़ के बनाओ, या जैसे कोई को टाइम के हिसाब से बनाओ, जैसे करना है वैसे करो। सर आप अहमदाबाद आ रहे हैं तो टैक्सी और कुछ अरेंज करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ, कुछ अरेंज करवाना हो तो अहमदाबाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बारे में मैं सोचूंगा। सुपारी वगैरह किसी की दिलानी हो तो एक काम मुझे चाहिए, बिना मीठी दाल अरेंज करा सकते हो क्या, जिसमें चीनी ना हो? चलिए खैर, मजाक कर रहा हूं। नाउ कम बैक टू द आइडिया अगेन। यहां पर इसने क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए ऑपरेशन बी इज ए इन टू बी बाय 3। फॉलो कर पा रहे हैं, लिखा हुआ है हमारे सामने, ए स्टार बी इज ए इन टू बी बाय 3, ये वैल्यू हमारे सामने है, और आपसे अलग अलग स्टेटमेंट पूछा है। अगेन आप मुझे बताएं क्या इसने बोला है कि ये ग्रुप है, ग्रुप क्या बोल रहा है, इट इज ऑलरेडी नोन दैट इट इज एबिलियन ग्रुप, इट इज ऑलरेडी नोन दैट इट इज एबिलियन ग्रुप, ऐसा बोल रहा है। अब अगेन आपको देखना आइडेंटिटी क्या है, क्या पुराने वाला ऑब्जर्वेशन यहां भी लगा सकता हूँ? आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए ऑपरेशन ई, अगेन ए ऑपरेशन ई, तो ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगा मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा, और ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगा तो क्वेश्चन कहता है कि मुझे ए इंटू ई बाय 3 मिलेगा। क्या ये दोनों बातें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? वही पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, एक इक्वेशन हमें आइडेंटिटी ग्रुप वाले प्रॉपर्टी से मिल गई, दूसरा इक्वेशन हमें इधर से मिल गया। यस, अब जब दोनों को हम मैं इक्वेट करूंगा तो ए इज इक्वल्स टू ए इनटू ई बाय 3, ए एंड ए विल कैंसिल आउट, देन ई इज इक्वल्स टू 3, तो ये बात तो सही मालूम दे रही है, दैट ई इज इक्वल्स टू 3। फॉलो कर पा रहे हैं क्या, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बहुत अच्छे। उसके अलावा ये इनवर्स इनवर्स इसकी बात कर रहा है। एक बात अगर आपको याद हो तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, या आपको ये बात पता है, आइडेंटिटी क्या खुद अपना इनवर्स होता है?
आइडेंटिटी इज सेल्फ इनवर्स, यस, एंड इफ दैट इज सो, इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, हाँ ये भी सेंस करता है। अच्छा तो ये बात भी सही है। तो देखो जो 25% लोग बोले नहीं 3 का इनवर्स 3 नहीं हो सकता, यार ये मल्टीप्लीकेशन नहीं था, डिफरेंट ऑपरेटर था, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटी थे, था तो 3 का इनवर्स 3 ही था। एक और तरीका आपको पूछूं, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस चेक कर सकते थे। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी, पता है क्या आपको? अब देखो आपको मजा दिलाता हूं, आपसे पूछा था 3 का इनवर्स क्या है, सवाल है 3 में किस चीज को ऑपरेट करें कि आपको आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी 3 ही है, और यहां पर ऑपरेशन करने का मतलब क्या है, 3 into that value divided by 3 is equals to 3, यही है क्या? अब अगेन देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप बॉक्स को ऑब्जर्व करोगे तो फिर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो फिर दोबारा ए इनवर्स भी आपको 3 ही मिलेगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे कि यहां पे देखिए, अभी मैं चेक कराता हूं, ये और ये बोल रहा है एक दूसरे के इनवर्स है, मैं फिर वही लिखूंगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मैं वैल्यू भरता हूं, a into 9 by a डिवाइडेड बाय 3 must be equal to 3, क्या मैं सही वैल्यू भर रहा हूं? अभी ए से ए गया, 3 3 बचा, 3 is equal to 3 कंडीशन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि ए का इनवर्स जो है वो 9 by a है। सिमिलरली क्या ये इधर भी मैच करेगा, 2 by 3 डायरेक्ट अगर आप मुझे परमिशन दो, into 6 divided by 3 is equals to 3, ऐसा होना चाहिए। नाउ देयर यू विल गेट 2 2 into 2, तो दैट इज 4 by 3 is equals to 3, ऑब्वियसली कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2 by 3 का इनवर्स 6 नहीं है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताएं जरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अभी मैं इसको एक और तरीके सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ अपन रामपुरी चाकू चलाना सीख रहा है कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे से वैल्यू को एडजस्ट करके देखें और समझें कि कैसे बात सॉल्व होगी, कैसे समस्या हल होगी। हाँ भाई लोगों बताओ, जरा रिलेट कर पा रहे हो क्या इस पॉइंट को? तो मैं एक बार दोबारा आपको पूछता हूं या दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग अभी भी कुछ को डाउट रहा होगा, क्योंकि ये गिवन था कि ग्रुप है, ग्रुप की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप, ये हमें पहले से पता था, यस और नो? यस। अब इस क्वेश्चन में मैं अलग अलग मेंशन करके चलता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, इस क्वेश्चन ने हमको बताया कि अगर ए का ऑपरेशन बी से करना हो तो इनके हिसाब से स्टार का मतलब होता है a into b by 3, ये क्वेश्चन ने अपने को बताया, और साथ में इनका कहना है कि 2 by 3 का इनवर्स 6 था। अगर 2 by 3 का इनवर्स 6 है तो अगर मैं इधर लिखूंगा 2 by 3 और इधर लिखूंगा 6, तो ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलना चाहिए ना, जो कि है 3। ऑपरेशन की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाय 3, सिमिलरली 2 स्टार 2 बाय 3 स्टार 6 इज 2 बाय 3 into 6 divided by 3। अभी ये बचा 2, ये मिला 4 बाय 3, कंडीशन तो फेल हो गई क्योंकि कायदे से आइडेंटिटी मिलना चाहिए था जो अपने को अभी नहीं मिला। बताएं जरा बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस और नो? यस। तो ये फिलहाल काम नहीं कर रहा। आप अगर बोलो तो एक चीज और पूछ सोच के देखिएगा, इसका कहना है ये हमें पहले से पता है दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, यस और नो? यस। अच्छा और अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो इसका मतलब होगा ए इंटू ए इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यस।
तो अगर किस, और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी की वैल्यू 3 है, ये भी हमें पहले से पता है। यस तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ए इनवर्स का जनरलाइज फॉर्मूला बना दो ना भाई, तो ए इनवर्स का जनरलाइज फॉर्मूला है 9/a, जो उसने छुपा के ऑप्शन बी में दिया भी था आपको, नहीं? हाँ, तो अगर सवाल है 2/3 का सच में इनवर्स ढूंढने का, तो बताओ 2/3 का इनवर्स क्या होगा? 2/3 का इनवर्स होगा 9/a, यानी कि 9 / 2/3, सो दैट इज 9/1, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो दैट विल बिकम 9 × 7/2, सो दैट विल बी 27/2। बताओ बात समझ आई क्या? नहीं, छोटी छोटी गिनती के दो चार प्रॉपर्टी, दो चार स्टेटमेंट है, उन्हीं को इधर उधर घुमा के अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। बताएं जरा, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। रिलेट कर पा रहे हैं? क्लियर है पॉइंट सभी को? कोई बात नहीं। उसके लिए अब देखो मैंने क्या किया, ये पूरी प्रोसेस बनाई। मान लो कि मैं आपको मैगी बनाना सिखाऊं, आपको पता मैं दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मैगीज बनाना जानता हूँ। वेजिटेबल मैगी आपको चाहिए वो भी मैं बना सकता हूँ, चीज मैगी चाहिए वो मैं बना सकता हूँ, सिंपल मैगी चाहिए वो भी बना सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। बट जब मैं आपको पहली बार बनाना सिखाऊंगा, एक दो बार घर जाके बना के देखोगे कि नहीं? हाँ, तो ट्राई करोगे तब तो, दो चार, एक बार कुछ गलती करोगे फिर कुछ और गलती करोगे, जब प्रॉपर करके देखोगे तो फिर रियलिटी में बात समझ आती है। यस, वन एक्सपेरिमेंट गिव आंसर टू 1000 थ्योरीज। ये चोरी का नहीं, पता नहीं आज अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मेरे मन से। एक एक्सपेरिमेंट, वन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल और गिव आंसर टू 1000 थ्योरी। सही बात है क्या? हाँ, तो आप अपने मन में सोच रहे हो ऐसा ऐसा ऐसा, ये बन गया। अभी नहीं बना, ये अभी तो सिर्फ मैंने आपको करके दिखा दिया जादू की तरह। नहीं, जब आप खुद करके देखोगे तब आपको रियलिटी पता लगेगी। तो अब इसको जाके घर पे दोबारा से एक बार दो बार बनाना आपका काम है, तब तो मजा आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने जादू देखा है, मैजिशियन देखा होगा, जादूगर, और हो सकता है कभी मेले में या कहीं पे स्कूल में उस जादूगर से कुछ ट्रिक सीखी भी हो, मैजिक बॉक्स खरीदा हो। आपने किया ऐसा कभी? अच्छा, तो आप मुझे बताओ, जहां तक मैजिक की बात है, जब हमें रियलिटी पता लगती है कि यार ये तो ऐसा कर रहा था, फिर मजा आता है कि नहीं? कहते यार ये क्या है, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या है। लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि आप वो थर्ड पार्टी के सामने करके दिखाओ और पकड़े ना जाओ। यस और नो? हाथ की सफाई है ना, अब आप कितनी सफाई से उस काम को कर रहे हो कि आप पकड़े ना जाओ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो कोई बोल दे हाँ मैंने जादू सीख लिया, खत्म। नहीं, सीखा तो आपने है, लेकिन जब तक आप उसको 2 4 5 बार कर नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं वो क्लैरिटी मिलनी है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता नहीं हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, बट कहीं भी कभी भी छोटी सी भी गड़बड़ हुई ना पूरा गेम खराब हो सकता है। आज सुबह मैं न्यूज पढ़ रहा था, इंदौर में हमारा एक MiG-21 वाइसन टेक ऑफ करते हुए क्रैश हो गया। पढ़ा है आपने न्यूज में? एक उसमें हमारा पायलट भी शहीद हो गया। अब आप एक बात सुन, अभी वो मुझे नहीं पता, मतलब उसमें लिखा नहीं था कि अभी प्रॉब्लम क्या थी, टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम थी या मशीन इंजन में कुछ समस्या थी, एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी, बट वो सिर्फ एक वो प्रैक्टिस ड्रिल था। डेली प्रैक्टिस करता है, किसी को पता है क्या किस दिन गड़बड़ होने वाली है? नहीं। यस, तो आप समझिए वो जहाज उस पायलट ने पता नहीं कितनी बार उड़ाया होगा। इनके तो फ्लाइंग आवर्स होते हैं ना, 1000 फ्लाइंग आवर्स, 500 फ्लाइंग आवर्स, की 500 घंटे ये जहाज हम उड़ा चुके हैं। उसके बाद भी नोबडी नोस कि किस दिन सही किस दिन गलत उड़े। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, दैट इज इट। उसको जितनी बार ट्राई करके देखोगे उतना ऑब्जर्वेशन आपका और अच्छा होगा भाई। अगर कर सकता तो किया होता, इजेंट इट। चलिए,
अब वैल्यू बाय वैल्यू करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, नाउ लुक एट दिस। इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत साधारण, हालांकि ये क्वेश्चन तो आप बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़ सकते हैं या डिजिटल में भी पढ़ सकते हैं। हेलो एनाकोंडा, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, वही बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। हाँ भाई, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, उसने लिखा। हाँ, तो नॉट इक्वल टू क्यों उसको ऑपरेटर दिया? बिकॉज जहां पर दोनों वैल्यू जीरो हैं वहां पर जीरो आया है, जहां डिफरेंट है वहां वन आया है, यही बात है। बहुत अच्छे। अब देखिए, बोल रहा है बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, नॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, अलग अलग कहानी है। आप चाहो तो कैसे इसको चेक करें, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। व्हाट 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 यू सजेस्ट, ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव है ऑब्वियसली, इजंट इट? आप एक काम कर सकते हो, या तो इसे डिजिटल से प्रूफ करें या तो पूरा टेबल बनाए। नहीं तो कैसे मैं करूं? चलो मैं कोशिश करता हूं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करें, दिस इज व्हाट एक्सोर इज, ऑपरेटर का बिहेवियर आपके सामने लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, मैंने दोनों तरफ सेम लिख दिया। तो चाहे आप ए ऑपरेशन बी लिखेंगे या बी ऑपरेशन ए लिखेंगे, दोनों तरफ आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। यस, दोनों तरफ आपको सेम वैल्यू मिलेगा, तो ये तो आपको समझ भी आ रहा होगा। इसमें तो टेबल देख के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। रही बात नॉट इक्वल की, या तो आप किसी वैल्यू पे चेक करके देख लें। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहाँ पर फर्स्ट दो इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट दो इक्वल कर देता हूँ, है ना? तब अगेन इक्वेशन लिखूं या आप फॉलो कर पा रहे हैं कि अगर जब भी मैं इक्वेट करूंगा, यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज, वैल्यू पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बट उसके लिए लॉजिकली सारे वैल्यू क्रॉस चेक करने जरूरी, दो तीन पे करके देख लेते हैं। इफ आई राइट 101, बताओ जरा क्या होगा? 101, सो 10 पर 1 मिलेगा, 11 पे 0 मिलेगा। सिमिलरली इधर 01 पर 1 मिलेगा, 11 पे फिर 0 मिलेगा। तो दोनों तरफ क्या सेम वैल्यू आ रही है? ऐसा आप दो तीन चार बार ऑब्जर्व करके देख सकते हो, देन यू विल इन द लास्ट फिगर इट आउट कि भाई ये बिल्कुल सेम काम कर रहा है। सो यस, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, कि ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। इसका खैर ग्रुप थ्योरी से कोई खास लेना देना है नहीं, अगली बार इस क्वेश्चन को हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पूछता हूँ। नेट दिसंबर 2015, जरा ऑब्जर्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप जी मस्ट होल्ड इन ऑर्डर टू बी एन एबिलियन ग्रुप?
मूड खराब कर दिया मेरा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में नहीं था, आज मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। मैंने कहा यार प्रॉपर्टी है, सही ऑप्शन बनाए होंगे। मन कर रहा रैपट ही रैपट मारो उनके गाल पे, क्या बनाते हैं बच्चों को और फ्रस्ट्रेट करते हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप मस्ट होल्ड इन ऑर्डर टू बी एबिलियन ग्रुप। अगर ग्रुप ऑलरेडी है और एबिलियन ग्रुप बनने की इच्छा रखता है तो कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए एडिशनल? यू नीड कम्यूटेटिव, दैट इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं? चारों ऑप्शन में कम्यूटेटिव रख दिया और उसके बाद जो गंद फैलाई है उसके बारे में क्या ही बोलो। खैर, बट आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी बट ये फेल रहे अपने प्रयास में, लेकिन क्वेश्चन साधारण था। ठीक है, एक और कोशिश करता हूँ, गेट वालों को चांस दीजिए। गेट 2013 में 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे है। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका ध्यान चाहूंगा, जरा इधर मुझे ऑपरेट करके बताएं। ए ऑपरेशन बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के बारे में पूछ रहा है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ध्यान से ऑपरेट करना है, वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करना, और बताइएगा फिर आंसर क्या होगा। हाँ भाई, क्या कम्यूटेटिव होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ट्राई करके देखो ना। कंफ्यूजन क्या है, सी में कि डी में? आई थिंक सी इज अ बेटर आंसर और डी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ओके, 42% आप लोगों ने वोट दिए हैं, 50% वोट दिए हैं, और लास्ट में सी और डी ने भी अपनी इंपॉर्टेंस बताया। 5% और 3% वोट ऐसे भी मिले। अगर मैं लिखता हूं ए ऑपरेशन बी और मैं लिखता हूं बी ऑपरेशन ए, और इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टार का नहीं पता, एडिशन ऑपरेशन की तो प्रॉपर्टी जानते हो आप, या वो भी नहीं जानते? तो ए स्टार प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, तो ऑब्वियसली ये कम्यूटेटिव है। जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, कौन है ये लोग? 5 और 3, 8% लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। या तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद नहीं कर पाए, या इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो नहीं सोच पाए। बट अब एक बार देखिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ बात समझ आ रही है क्या? ये तो कम्यूटेटिव पे कंफ्यूज होना ये ना अच्छी बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इधर ट्राई करता हूँ एसोसिएटिव का, यहाँ 52% लोगों ने क्लियर कट बोल दिया कि एसोसिएटिव है, 42 ने बोला एसोसिएटिव नहीं है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। नाउ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑपरेशन सी, इधर करूंगा तो मिलेगा ए ऑपरेशन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब मैं दोबारा सॉल्व करूंगा तो ये मैं पहले लिख देता हूं ताकि डायरेक्ट एक्सपेंड करूं तो कंफ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
सिमिलरली इधर करूंगा तो दैट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो दैट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. हे भगवान क्या क्या करना पड़ रहा है. प्लस सी स्क्वायर और इधर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. नहीं नहीं सही बात तो ये मजा भी आ रहा था. सही बात तो ये है कि सॉल्व करने मजा भी आ रहा था. अब ऑब्वियसली ये वैल्यूज आपके सामने यू कैन फिगर इट आउट कि ये दोनों इक्वल नहीं है. कभी कभी मौका मिलता है छठी सातवीं क्लास का ज्ञान इस्तेमाल करने का. ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा. कभी कभार ऐसा होता है कि गलत ऑप्शन को डिसाइसिवली ज्यादा वोट मिले तो जिन लोगों ने कंक्लूड कर दिया था कि एसोसिएटिव है, मैं मानता हूं इन 50 में से कम 80% लोगों ने बिना सॉल्व करे किया. आपको फील आया था अंदर से, कोई था आपके अंदर जो छुपा हुआ जो कह रहा था ये तो एसोसिएटिव होगा ही होगा यार, कहां फर्क पड़ता है मैन, कम ऑन मैन. अबे ऑब्जर्व करके देखे होते तो आपको पता लग गया होता. अगर यहां तक पहुंच के इक्वेशन बना के वैल्यू कर लिया होता तो हो जाता ना. बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं. सर आज ऑफिशियल आंसर की भी है. आंसर की तो ऑफिशियल बहुत पहले आ गई थी. अब तो रिजल्ट का इंतजार है. अब देखिए ऑफिशियल डेट क्या है रिजल्ट की, 22 है. लेकिन हाँ मेरे खुफिया सूत्रों का भी कहना है कि समय से पहले आएगा और वो 22 है तो 21 को तो आ ही जाना है बिकॉज एक साथ टाइम पे बताते हैं तो सर्वर क्रैश होते हैं. देखिए मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता. अब तो जो आएगा वो आएगा, ये एक फैक्ट होता है. देखिए इस बात को समझिए, क्या प्रोबेबिलिटी पे बात की जा सकती है बट आउटकम कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ रैंडमनेस इजंट इट. अपना काम एफर्ट करना, एफर्ट करिए. हाँ मैं एक बात आपसे बोल रहा था हैबिट वाली. आप लोग मेरे कहीं से एक काम करिए, जो लोग बोल रहे ना हैबिट में प्रॉब्लम है, क्या आप लोग खुश रहना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, है ना. तो होता ही है, मैं आपको बताता हूं. आपको ऐसा लगेगा कि आप उदास हैं, परेशान हैं, और अगर मैं ये खा लूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा. वो कुछ भी हो सकता है, इजंट इट. वो मैगी हो सकता है, समोसा हो सकता है, या कुछ भी मिठाई हो सकती है, कुछ जो भी आपको खाना अच्छा लगता हो, मोमोज हो सकते हैं, आई विल बी हैप्पी. बट आफ्टर सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, इससे खुशी नहीं मिलेगी आपको. सिमिलरली हो सकता है आपका मन करे थोड़ा और मैं सो लूं या मैं और थोड़ा मोबाइल पे गेम खेल लूं तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बट नहीं, यू विल गो मोर एंड मोर इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग. ये एक साइकिल है, इससे कभी किसी का मन नहीं भरा. खाने से या ज्यादा सोने से या किसी भी तरह के इस तरह के काम करने से आप हैप्पी नहीं हो सकते. आप मेरे कहे से एक घंटा क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक घंटा, और वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो क्लास में ऑलरेडी किराए जा चुके हों, सो दैट कंफ्यूजन होता है वीडियो देख के रेफर करो. और फिर एक घंटे बाद आप देखना, अगर आपने 4-5-6 क्वेश्चन बनाए ना, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मोबाइल को फेंक दो, कमरा में दूसरे रखो. कोई ऐसा नहीं कोई 2-4 करोड़ का असाइनमेंट मिस हो जाएगा आपका कि पानी का जहाज खरीदना था वो छूट गया, नुकसान हो गया बिजनेस में, नहीं होगा ऐसा. उसको एक तरफ रख दो और एक घंटे आप मेरे कहे से ऐसा काम करो. विश्वास मानना, अगर एक घंटे कंसंट्रेशन से आप पढ़ लेना, आपको इतनी खुशी मिलेगी मैं आपको बता नहीं सकता. मुझे आज भी मिलती है, अगर कोई डिस्टर्ब ना करे और कुछ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आधा एक घंटा कुछ भी पढ़ ले, यू विल फील फैसिनेटेड, मजा आ जाएगा आपको. और फिर आप दोबारा करेंगे, फिर आपको खुशी मिलेगी और ये खुशी होगी जो स्थायी खुशी होगी. कोई बात नहीं, आप लंबा टाइम मत लो ना, आप एक क्वेश्चन के लिए करो ना, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए. टेक अ क्वेश्चन,
ट्राई टू रिजोल्व इट आउट, दो चार बार एनालाइज करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए मोबाइल चाहो तो स्विच ऑफ कर दो 10 मिनट के लिए, बट करके तो देखो, आपको मजा आएगा, धीरे 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 रिलेट कर पाओगे। यस ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पोल करने की जरूरत है कि आप ऐसे ही बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप, इसमें से कौन नेसेसरली ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है? देख रहे हो आप, पहले मैं सोच रहा था पोल ना चलाऊं, फिर मुझे लगा मैं नहीं चलाऊंगा, आप बोलोगे सर 100 आ जाता, मैंने कहा क्यों मौका दिया बच्चों को, चला लो। बाद में आपके मन में कशिश रह जाती है, कहना है एक चुभन रहती कि सर हो सकता था आज आपने चांस नहीं दिया। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अबे नॉट लिखा था कैपिटल में। अच्छा ये मैं पहले ध्यान नहीं देता, गेट वाले बेचारे नॉट लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, या मुझे नहीं पता क्या रीजन है। नॉट नेसेसरली प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप बनने के लिए किसकी जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। 85 इस क्वेश्चन के हिसाब से खराब परसेंटेज है। 2% लोगों का कहना है कि ग्रुप बनने के लिए एसोसिएटिविटी होने की कोई जरूरत नहीं है। 9% का कहना है कि इनवर्स की कोई जरूरत नहीं है, और 4% का कहना है आइडेंटिटी नहीं भी हो तो चलेगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी एक बार बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे, इधर आ जाओ। गेट 2005 टू मार्क क्वेश्चन, ध्यान से ऑब्जर्व करो, आंसर बताओ। कंसीडर सेट एच ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स ऑफ अ टाइप दिस, वेर ए बी सी डी एंड एफ आर रियल नंबर एंड ए बी सी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एच इज अ, क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कैसे रिलेट करोगे। नहीं, इसमें टाइम कम नहीं है। या तो आपको होमवर्क में करके आना था, या आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। खैर, 58% लोगों ने बोला है ए एंड देन 23 और 23 एंड देन 10 एंड देन 10। देखिए एक बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं जल्दी से, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाती है कि नहीं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाती है कि नहीं? नहीं बनाती इन जनरल। लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाती है क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यस यस। अच्छा सबसे पहले मैं डी वालों से पूछना चाहता हूं, नाइदर अ ग्रुप नॉर अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप भी नहीं बनेगा। सेमी ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए था? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा, क्लोजर और एसोसिएटिव। नहीं, उसके बाद बात थी मोनोइड की। इन लोग, कुछ लोग का कहना है कि मोनोइड भी नहीं बनेगा। भाई मोनोइड क्यों नहीं बनेगा? मोनोइड तक तो मैट्रिक्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टेबल भूल गए क्या कल का? रिविजन नहीं किया, कंसंट्रेशन नहीं है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। सी और डी वालों से खासा नाराज मैं हूं,
आप नहीं कर रहे हो भाई काम सही से। अगर आप बी में कंफ्यूज हैं एक बार को मैं मान सकता हूं। हाउ कैन यू से अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन विल नॉट मेक अ मोनॉइड और अ सेमी ग्रुप और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? यहां तक का तो सेटल है। एसोसिएटिव, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, तीनों में कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। प्लीज ऐसा मत करो, रिवीजन करो, टाइम स्पेंड करो, वरना धीरे धीरे ये लैग बढ़ने लगेगा, आपको क्लास अटेंड करने का मन भी कम करने लगेगा। हो सकता है कुछ को ऑलरेडी करने लगा, हो सकता है कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सारी क्लास देखते भी अब ना हो। प्लीज डोंट डू दैट, इजंट इट? तो फॉलो करो साथ साथ भाई। अच्छा, अब रही बात ग्रुप होने की या ना होने की। अब यहां पर देखिए, एग्जामिनर शायद सोच रहा था कि आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता हो। ये डायगोनल जो है एबीसी, अगर डायगोनल नॉन जीरो होता है तो क्या इससे ही, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप गौर करिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बोलती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल नॉन जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। दैट इज अ प्रूफ दैट यस यस दैट इज अ प्रूफ दैट ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये प्रॉपर्टी इस बात को डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्ट बताइए भाई ने। और वैसे आप चाहे तो बिल्कुल डायरेक्ट ये भी सोच सकते हैं, इफ इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट। हे भगवान, ओहो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन इनडायरेक्टली वो आपको कान में बता रहा है कि ये एक नॉन डायगोनल, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर है भाई तो फिर पकड़ना था आपको ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं क्या? यस, तो ये जो 23% लोग हैं इन्होंने भी गड़बड़ किया है। आगे ऑब्जर्व करिए, देखिए गेट 2003 वन मार्क क्वेश्चन है, जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। गेट 2003 सो वन मार्क क्वेश्चन। क्षणिक सर का मैथ भी चल रहा है, फॉलो करो ये कंसेप्ट ही क्लियर रहा। वेरी गुड, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं 1 घंटा आप नॉन टेक्निकल को अभी से देना शुरू करो वरना प्रॉब्लम रहेगा। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें वीडियो सेंड कर सकते हैं क्या, ऐसे डायरेक्ट वीडियो? चलो मैं काम करा करूंगा ना, मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए, याद दिलाने के लिए वीडियो भेजा करूंगा। भाई रिवाइज कर लो, भाई उठ जाओ, भाई सो जाओ, मजा आएगा। चलो मैं ट्राई करता हूं। ओहो, क्या नतीजा निकला इसका? ये क्वेश्चन जिन लोगों ने टीओसी पढ़ा है उनके लिए है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं है, क्योंकि वरना आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो वो मत पूछिएगा। जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज है सब्जेक्ट का वो इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं। सवाल है, कंसीडर अ सेट सिग्मा स्टार ऑफ ऑल द स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज सिग्मा स्टार? सिग्मा स्टार स्टैंड्स फॉर कीन क्लोजर। कीन क्लोजर मतलब ए और बी से बनने वाले सारे पॉसिबल स्ट्रिंग उसके अंदर होंगे। तलवीर सर डेली 3 AM पर मोटिवेशनल कोटेशन सेंड करते हैं, तो 3 बजे क्या करते हैं, उठ जाते हैं? हे भगवान, इतना नहीं करना भाई मुझे कि मेरी अपनी जिंदगी जहर हो जाए। और 3 बजे अगर मैं उठा, सही बात है, 3:17 तक मैं दोबारा नहीं सोया तो क्या होगा? 3:17 पे नहीं जागना भाई। चलिए, खैर क्या है,
तो हाँ, अब स्ट्रिंग की बात है और कॉन्केटिनेशन एक ऑपरेशन क्या होता है, अगर मैं एक स्ट्रिंग लूंगा W1, एक स्ट्रिंग लूंगा W2 और बीच में लगाऊंगा कॉन्केटिनेशन, तो क्या रिजल्ट आएगा? दैट विल बी W1 W2। अगर एग्जांपल से बात करूं, इफ आई हैव अ स्ट्रिंग लाइक ABC कॉन्केटिनेट BAB, तो मेरे को मिलेगा ABC BAB, ये मिलेगा। क्या फॉलो कर पा रहे हैं? अब सवाल है उसके साथ प्रॉपर्टी पे खेलने का। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं और दूसरा स्ट्रिंग लूं और दोनों का कॉन्केटिनेशन करूं, क्या द रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग होगा? जी हाँ होगा। तो क्लोजर है, एसोसिएट है। मैं W1 W2 W3 तीन स्ट्रिंग अगर मैं लूं, ऑब्वियसली पहले मैं W1 W2 को करूं या W3 W3 को करूं, ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा भाई वो एसोसिएटिव भी होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट सेम होगा। अगला सवाल हो सकता है, किसी स्ट्रिंग में ऐसा क्या कॉन्केटिनेट करें कि सेम स्ट्रिंग मिले? यहाँ पर आंसर आता है एप्साइलन, यानी कि नल स्ट्रिंग। अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो पहले मुझसे मत पूछना एप्साइलन क्या है। अगर TOC आपने पढ़ा है तो इस बात का जवाब आपको पता है, एप्साइलन इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। तो एप्साइलन को कॉन्केटिनेट करने पे सेम मिलेगा। तो यहां तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम अगर क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों है, तो मोनॉइड तो बन गया। यस, रही बात इनवर्स की, अब ये आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ए बी एक स्ट्रिंग है, उसमें क्या कॉन्केटिनेट करें कि दोबारा एप्साइलन मिले? ऑब्वियसली इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप, डज नॉट हैव अ राइट आइडेंटिटी, फॉर्म्स अ ग्रुप इफ द एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टार, सब फालतू बातें हैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए नहीं करेगा। हाँ, किसी के लिए भी नहीं करेगा, मतलब ऑब्वियसली खुद एप्साइलन के लिए कर सकता है, एप्साइलन का तो इनवर्स खुद एप्साइलन ही होगा, इजंट इट? एप्साइलन के अलावा आपको किसी स्ट्रिंग का, बिकॉज लाइक यू सी स्ट्रिंग के अंदर 1/AB इस तरह का कोई आइडिया होता है क्या? अगर AB स्ट्रिंग है तो कम से कम AB तो रहेगा ना। कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, अगर आपने TOC नहीं पढ़ा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और अगर TOC पढ़ा है तो फिर डबल टेंशन लेनी है। ये बात कैसे नहीं समझ आई आपको? नहीं, अगला क्वेश्चन, गेट 2002 टू मार्क क्वेश्चन, साधारण मासूम क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से क्या क्या सच है? हाँ भाई, फॉलो कर पा रहे हैं? 4, 68, 5 and 22। नाउ लेट मी गो 1 by 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेट ऑफ ऑल रेशनल निगेटिव नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ हाउ इट कैन बी ट्रू व्हेन यू से रेशनल निगेटिव नंबर, चलो वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट चलिए मैं ऐसा भी लिख देता हूं, क्या 1 -1/2 एंड -2/3 ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है? यस और नो? है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा 2/6 या फिर अगेन 1/3। ये पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली ये तो क्लोजर ही फेल हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ग्रुप बना लेगा, मैं नमन करता हूं इन 4% लोगों को जिन्होंने लॉजिक से परे हटके
कंसेप्ट्स, टॉपिक्स, नॉलेज सबको एक तरफ से इग्नोर करते हुए सीधे ऑप्शन ए को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। बहुत अच्छे। अ सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। अभी आप देख रहे हो इसकी, इस बेचारे की हालत देख रहे हो, इनके पास पूछने को ज्यादा कुछ है नहीं। है क्या मुझे बताओ? गिनती के 5-7 प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में वही लपेट लपेट के पूछ रहे हैं। कितनी बार पूछोगे? हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। और सी में फिर वही बात, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स नहीं, ऑल मैट्रिक्स नहीं बनाता। ये जिन लोगों ने ये क्या किया है, 2 और 3, अच्छा ये बी और सी को मान के चल रहे हैं, ये पागल हो क्या? कौन है ये 22% लोग? भाई हर मैट्रिक्स के साथ नहीं बनाता है, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर नहीं बोलोगे तो नहीं मानेंगे हम। बताओ ये बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं? क्या ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं सब लोग? साधारण क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से कौन कौन फॉल्स है? हाँ भाई कुछ बात समझ आ रही है क्या? चलिए वन बाय वन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा। 4%, 6%, 69% एंड 21%। Which of the following is false? Set of all rational numbers is an abelian group under addition. कह रहा रेशनल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है, इसमें किसे आपत्ति है? क्योंकि कुछ लोग, 4% लोगों का कहना है ये फॉल्स है। बताओ भाई इसमें किसी को प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, ये सारे ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर फॉर्म्स ए एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पे चलेगा कि नहीं चलेगा? मल्टीप्लीकेशन पे नहीं चलेगा बिकॉज अगेन जीरो की प्रॉब्लम है। क्या जीरो एक वैलिड रेशनल नंबर है? जीरो की तो खानदानी दुश्मनी है ना मल्टीप्लीकेशन से, भूल गए आप? जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन पे ग्रुप की बात करे आपको तुरंत पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए, जीरो है क्या? जीरो में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी वन मिले? नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली दिस विल नॉट फॉर्म अ ग्रुप, देयरफॉर इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन बेईमानी है। त्रिपाठी से नहीं, ट्विंकल त्रिपाठी से। वैसे तो पूरे त्रिपाठी खानदान से है, ट्विंकल त्रिपाठी से खासकर दुश्मनी है। क्लास में मुझे लग रहा था भाई ट्विंकल त्रिपाठी नहीं होंगी। मैंने बताया था ना 4, 5, 6 पीढ़ियां पहले क्या हुआ था, इनके पड़पड़ बाबा ने मेरे पड़पड़ बाबा से पेंसिल छीन ली थी, ऐसा कुछ केस था। पेंसिल की लड़ाई है जी। खैर ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, फॉलो कर पा रहे? इसको भी एक देखिए, 1994। हो सकता है आप में से कुछ लोग तब तक पैदा भी ना हुए हो। जरा ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 3-17 वाली। अरे इस तरह की बातें नहीं करते, रात को दिन छिप गया है अभी, इस तरह की बातें नहीं किया करते। आप लोग को तो वैसे भी रात रात भर पढ़ाई करनी है, 1 साल ना कोई हॉरर मूवी देखनी है,
ना कुछ गड़बड़ करनी है। नाइनटीन नाइनटी फोर में कहाँ थे? मैं इंडिया में था उस समय। ओके, 80% लोगों का कहना है ऑप्शन डी, 1% 1% 18%। लेट ए बी अ सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओहो, पका दिया उसने नॉन सिंगुलर बोल बोल के। ओवर रियल नंबर एंड स्टार। ये क्या था? कौन है ये लोग? नॉन सिंगुलर बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, उसके बाद 1% का कहना है सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, 1% का कहना है सेमी ग्रुप होगा बट मोनॉइड नहीं होगा, 18 का कहना है मोनॉइड तक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं मानेंगे। अब काई नहीं मान रहे। हाँ, ग्रुप होगा, एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। ये तो पहले दिन टेबल पूरा भरा दिया ना आपको। मुझे बताओ यार, ये नॉन सिंगुलर पे कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? आप बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? फिर इसमें किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है? और इसके बाद भी अगर एग्जाम में आप गलत करके आते हो तो फिर मैं क्या करूं बताओ? मेरे हाथ में कुछ है, मैं कुछ इससे ज्यादा मदद कर सकता हूं क्या आपकी? बताएं, फॉलो कर पा रहे क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, नया टॉपिक, एक नया आइडिया डिस्कस मेरे को करना है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपसे कराना चाहता हूं। पहले आप मुझे बताओ, अभी तक जितने भी ग्रुप्स आपने स्टडी किए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, मैट्रिक्स, इवन ऑड, वट एवर इट इज, क्या वो सबके सब फाइनाइट ग्रुप थे या इनफाइनाइट ग्रुप थे? बाय चांस और बाय इंटेंशन वो सबके सब फाइनाइट ग्रुप थे। यस, सो माफ कीजिएगा, इनफाइनाइट ग्रुप थे। तो अब हम एक कोशिश करेंगे कि इन्फिनिटी से किस तरफ आ सकें टुवर्ड द फाइनाइटनेस। मैं लिखता हूं, अ ग्रुप विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। इससे साधारण कोई डेफिनेशन हो सकती है? प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, वो सब का सब अपनी जगह रहने वाला है। जिस सेट पर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सेट फाइनाइट होगा तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और अब यहां पर एक नई डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज डिनोटेड बाय ओ ऑफ जी, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। क्या इनफाइनाइट ग्रुप पे ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है? कैन यू हैव अ ऑर्डर ऑन इनफाइनाइट ग्रुप? नो यू कैन नॉट हैव। तो क्योंकि फाइनाइट की अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इस वजह से ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात अभी तक नहीं की थी, बट अब बोल रहा हूं कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो ही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप? ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो ही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। यहां तक रिलेटेड रिलेट कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके कुछ आइडिया फर्दर ऑब्जर्व करेंगे। लुक एट दिस, मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट स्ट्रक्चर पहले से बनाए हुए हैं, जहां पर कितने एलिमेंट हैं, कौन एलिमेंट है वो लिखा है, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस मतलब एडिशन है, और मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने की कोशिश की है ताकि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में वहां फिल भी कर सकूं। जरा एक बार इन सबको फिल करो। आपको समझ आ रहा है फिल कैसे करना है? क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना। जैसे -1 0 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या क्या हो सकता है? -1 को -1 से ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, इधर -1 मिलेगा, 1 मिल 0 मिलेगा,
वन मिलेगा एंड देयर अगेन यू विल गेट -2 एंड 0 एंड यार ये 1 होना चाहिए ना. ओके दिस इज +1, दिस इज +1, सो 0 मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा. एक बार देखो, फॉलो करो और मुझे बताओ कि ये ग्रुप है कि नहीं है. जरा जल्दी से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से बच्चे ग्रुप बनेंगे. दो चार आइडिया आप नए ऑब्जर्व करोगे, बहुत जल्दी से आपको आगे की कहानी समझ आ जाएगी. अच्छा लेट मी गो वन बाय वन, देन लेट मी गो वन बाय वन, फिर देखते हैं. पहला स्ट्रक्चर जरा देखिए, जीरो हमारे पास है एंड वी हैव ऑपरेशन एडिशन. कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा. हालांकि अब ये बड़ी ट्रिवियल सी बात है, पहले मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ. जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली जीरो मिलेगा. वन को वन से ऐड करेंगे क्या मिलेगा, टू. एक बात आप पहले सोच के मुझे बताइए, ये मैं स्ट्रक्चर, ये बॉक्स कैसे बना रहा हूं, ये आपको समझ आ रहा है. ये मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए बना रहा हूं. टेक्निकली आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा. अब देखो जिसको मैं रेड बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है. क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या. ओके नाउ अब सिर्फ वन पे प्लस लगाएंगे तो अपने आप से भी तो ऑपरेट करेगा ना. तो देखो जरा कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. थ्री के केस में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि फेल हो रही है. एक दो सिंपल ऑब्जर्वेशन चाहता हूँ, फेल हो रही है ना यार. वन को वन से ऐड करूंगा तो टू आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था. प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो वैल्यू को ऑपरेट करे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं हो रहा है. सो थ्री ग्रुप नहीं है. क्या ये समझ पा रहे हैं आप. अच्छा तो सिमिलरली मुझे इसका मतलब पूरा पैटर्न भरने की जरूरत नहीं है. फाइव में वन और वन को ऐड करेंगे टू मिलेगा. इसी तरह यहां पर आपको -2 और 2 दिख रहा है तो 5 और 7 एडिशन के साथ बहुत आसानी से आप इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं. ये तीनों के तीनों फर्स्ट स्टेज पे ही क्लोजर फेल होने की वजह से बाहर हो गए. रिलेट कर पा रहे हैं. ये तीनों के तीनों क्लोजर फेल होने की वजह से स्टेज वन पे ही बाहर हुए हैं. अच्छा अब यहां देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं. +1 -, ओके दिस इज जीरो ओनली, 0 0 0 0 0 0 0. नाउ दैट इज -1, दैट इज -1, दैट इज 1. मैंने सही फिल किया क्या. अब अगेन मुझे बताओ क्या क्लोज्ड है. क्लोज्ड क्लोज तो है क्योंकि कोई भी नया एलिमेंट नहीं आया. एसोसिएटिव भी है, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी 1 भी है, लेकिन इनवर्स नहीं है. किसका, फिर वही सवाल है, जीरो का. जीरो में, जीरो वाली रो में सिर्फ जीरो आ रहा है. जीरो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं. जीरो में खानदानी दुश्मनी है. जीरो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वन मिले. जो भी आपसे जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाने के लिए बोले उससे माफी मांग लो. तो 2 3 2 6 और 8 क्या सेम आर्गुमेंट पे बाहर कर सकता हूं, मुझे बताएं. हाँ इसमें क्यों डरना है. मल्टीप्लीकेशन की दुश्मनी है भाई जीरो से. अच्छा रही बात फर्स्ट की और फोर की, क्या इन दोनों को ग्रुप मान सकता हूं. लेकिन ये बड़ी ट्रिवियल सी बात हो गई क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी. प्लस के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, जीरो. मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, वन. तो सिर्फ आइडेंटिटी रख के ऑपरेशन के साथ आप फाइनाइट ग्रुप बना पा रहे हो. बट साथ में ये भी समझ आ रहा है कि जब भी हम वैल्यू बढ़ाने की, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है. फाइनाइट
फाइनाइट ग्रुप बनाना जितना आसान हमें लग रहा था या हमने सोचा था जितना आसान होगा, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं हो रहा है। क्या ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं? सर, टू में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। देखिए, अगेन इस बात को समझिए, मैं बोल रहा हूं कुछ प्रॉपर्टी ऑपरेटर्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेट की हैं। एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की हैं कि ऑपरेटर की हैं? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर वन होगा, ये बताने के लिए क्या मुझे सेट देखने की जरूरत है? ग्रुट नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचे वहां जीरो है तो आप सोच रहे जीरो जीरो पे होल्ड करेगा। नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन है तो मुझे वन ही चाहिए, वहां पर नहीं है तो वो ग्रुप नहीं है। बताएं जरा, फॉलो कर पा रहे? जरा इधर बताइए, 9, 10 और 11 में कौन कौन ग्रुप है? अरे एक ही एलिमेंट है, निधि का तो स्वैग अलग है। एक ही एलिमेंट है और वो आइडेंटिटी है, और मैं आपको बता चुका हूं आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स है। नहीं बताया क्या मैंने? फिर क्यों पूछ रहे हो कि इनवर्स क्या होगा? भाई जीरो का इनवर्स जीरो होगा, वन का इनवर्स वन होगा। ओके, नाउ मुझे बताओ क्या 9 ग्रुप है? ऑब्वियसली नॉट। माइनस वन मिलके बनाएगा माइनस टू, वन और वन मिलके बनाएगा टू। क्लोजर भी फेल है, आइडेंटिटी फेल है, ये ग्रुप बनने का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली इधर माइनस वन माइनस फोर तक पहुंचा देगा, टू और टू फोर तक पहुंचा देगा, ये भी फेल होगा। नो चांस ऑफ बीइंग अ ग्रुप। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन विल गेट वन, माइनस वन एंड वन। वैल्यू फॉलो कर पा रहे हो? गो स्टेप नंबर वन। क्लोज्ड है, जी हाँ है। एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। उसके बाद आइडेंटिटी, जी हाँ, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रेजेंट है। इनवर्स, आइडेंटिटी ई से लिखते हैं बल्कि इनवर्स, इनवर्स बिल्कुल है। क्या इनवर्स है? वन का इनवर्स वन है और माइनस वन का इनवर्स खुद माइनस वन है। अब मुझे बताओ, कोई मुझे पहले परेशान कर रहा था, कहता प्रूफ करो प्रूफ करो। नाउ यू कैन सी, यू हैव एन एग्जाम्पल जहां पर आइडेंटिटी के अलावा एक और ऐसा एलिमेंट है जो खुद अपना ही इनवर्स है। आप चेक कर लो, वो खुद अपना इनवर्स है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं? जब मैं माइनस वन को माइनस वन से ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे आइडेंटिटी यानी कि वन मिल रहा है। सो 10 सेटिस्फाइज द कंडीशन बीइंग अ ग्रुप, ग्रुप होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगेन, आप ये बात समझ पा रहे हैं, क्या मैं मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के साथ ग्रुप में 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ वैल्यू रख सकता हूं? क्या ऐसा कुछ वैल्यू रख सकता हूं? नहीं रख सकता। अगर ऐसा कुछ वैल्यू रखूंगा तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलेट कर पा रहे? ओके, 3 केस और ट्राई करिए, 12, 13, 14। जरा इसको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? लेट मी गो वन बाय वन।
ओमेगा, यस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेशन के साथ, नाउ दैट विल जनरेट 4 एंड अगेन दैट विल जनरेट 4, क्लोजर पे फेल हो रहा है, बाहर करो, इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। यस अब जहां तक ओमेगा की बात है, नाउ दीज आर जस्ट मैथमेटिकल एक्सेप्शन जिनके साथ हमें खेलना है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब विल बिकम ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर बिकम्स ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब सो अगेन इट कम डाउन्स टू 1, दैट इज ओमेगा क्यूब दैट इज 1 एंड दैट इज अगेन ओमेगा 4, सो इट बिकम्स ओमेगा। आप मुझे बताओ क्लोज्ड है, हाँ है, एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन होता है, आइडेंटिटी 1 है, इनवर्स ढूंढ लेते हैं, ओमेगा को किसके साथ ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिले, आंसर आपको ये टेबल ही बता देगा, शायद ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, सो ऑब्वियसली ओमेगा का स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा, तो सब प्रॉपर्टी अच्छे से होल्ड कर रही है, 1 खुद अपना इनवर्स है बिकॉज वो आइडेंटिटी है, दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, 3 एलिमेंट के साथ शायद पहला ग्रुप हम बना पाए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या, विद द इंटेंशन दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हमें पहले से पता थी, इसी वजह से हमने क्लोज फेल होने से बचा लिया, यही एक तरीका था क्लोजर फेल होने से बचाने का। यस और नो? यस, बताएं जरा इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हैं क्या। सिमिलरली नाउ यू नो व्हाट इज आई, मुझे बताओ व्हाट इज आई, आई इज अंडर रूट माइनस 1, और टू बी प्रिसाइज व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस 1, तब अगर इसके साथ आप ऑपरेट करोगे तो 1 के साथ तो खैर ऑपरेट करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, इसको डायरेक्ट भर लेता हूँ, सिमिलरली इधर भी सेम वैल्यू ही मिलेगा, आई कैन फिल इट डायरेक्टली, -1 के साथ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बस, सो दैट इज 1 दैट इज -i दैट इज i, और इधर भी करेंगे तो दैट इज -i एंड दैट इज i, सिर्फ यहाँ सोचना पड़ेगा, i इंटू i, आई स्क्वायर -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1, इन इधर दोनों में मिल जाएगा 1। जरा मुझे बताएं सेम वैल्यू ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या। ओके क्या यहां पर भी सारी कंडीशन होल्ड कर रही है, क्लोज्ड है, जी हाँ है, एसोसिएटिव है, जी हाँ है, आइडेंटिटी 1 है, इनवर्स जरा बताओ कि कौन कौन किस किस का इनवर्स है, अगेन शायद -1 खुद अपना इनवर्स है, 1 भी खुद अपना इनवर्स है, आई का इनवर्स -i है और -i का इनवर्स i है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो विद आयोटा इसके साथ भी हम ग्रुप फॉर्म कर पा रहे हैं, जरा ये वैल्यू ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या, किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को। आई का इनवर्स 1 भी है, कैसे श्याम बताएं कैसे, आई का इनवर्स 1 कैसे है, अगर आई का इनवर्स 1 होता तो आई को 1 के साथ ऑपरेट करने पे 1 मिलना चाहिए था, बट आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में तो आई मिल रहा है, ये क्यों बोल रहे हो आप कि आई 1 का इनवर्स भी है, कैसे आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे। बताएं जरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन क्या डाउट है। आई इंटू 1 इज इक्वल्स टू आई, जी हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन फिर इससे इनवर्स कैसे प्रूफ हुआ, अगर कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करता है तो 1 मिलना चाहिए ना, आपकी इक्वेशन में ऑपरेट करने के बाद आई मिल रहा है ना कि 1, फिर इनवर्स कैसे हुआ, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते तो रिजल्ट में 1 मिलना चाहिए था, यहां तो आई मिल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे बताएं यहां तक का आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या।
फेयर इनफ। नाउ अब अगर मैं कुछ कंक्लूजन आपके सामने रखूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन फाइनाइट ग्रुप विद नंबर ग्रेटर देन टू एज क्लोजर प्रॉपर्टी फील्ड्स विद सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ऑब्वियसली ये क्या मैंने किसी बुक से लिया हुआ या खुद लिखा हुआ स्टेटमेंट? तो भाई आप कितना भी कोशिश कर लो, दो एलिमेंट से ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं, यस और नो? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? इनवर्स ग्रुप के लिए कोई रूल है क्या, इवन ऑड एलिमेंट? अभी फिलहाल कोई रूल नहीं है, जब इसके लिए पहले हमने बात की थी वहां मैंने ऑब्जर्व कराया था, बट अभी आप भूल जाओ, फिलहाल जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। नाउ सो वी विल ट्राई टू डेवलप अ न्यू मॉडिफाइड ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, जहां पर यू नो हम क्लोजर सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, और उन ऑपरेटर्स को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। हालांकि अप्रोच बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, वैल्यू के साथ एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ इट इज अ एडिशन ऑपरेशन विद अ सबस्क्रिप्ट m, और ये क्या कह रहा है, अगर a और b का सम m से कम आया तो रिजल्ट a प्लस बी ही होगा, अगर a प्लस बी का सम m या उससे ज्यादा आया तो उससे आप m माइनस कर देंगे। दैट इज द डेफिनेशन। पहले एक बार जरा इसको एनालाइज करो, एक बार सोचो, मुझे बताओ ये फॉलो कर पा रहे होगा क्या ये बोल रहा है। अगर दोनों का सम m आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m से कम आया तो दैट इज ओके, बट अगर m या m से ज्यादा आया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डिलीट, मतलब बेसिकली m इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। पहले मैं एक टेबल फिल करा के चेक कर लेता हूं जरा इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 0 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4, जरा टेबल फिल करके बताना कैसे करोगे। वेरी गुड, बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके देन लेट मी गो वन बाय वन, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे। फिर मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको है तो। नाउ जीरो को जब मैं ऐड करूंगा किसी वैल्यू से तो 0 1 2 3 0 1 2 3 तक ही मैं पहुंचूंगा। 1 + 1 सो दैट इज 2, वैल्यू शिफ्ट होने लगेगा कि दैट इज 3। नाउ 1 + 3 इज 4 एंड 4 - 4 सो अगेन आई विल गेट बैक 0। बेसिकली वही पॉइंट है, क्लोजर नहीं फेल होने देगा, जैसे ही बाहर जाएगा पकड़ के उसको वापस ले आएगा। नाउ दैट इज 3 0 1 एंड दैट इज 0 1 एंड 2। मुझे बताएं क्या पूरा टेबल आप में से हर कोई फॉलो कर पा रहा है कि नहीं? Yes. Now if I go one by one, तो तब मुझे बताएं क्या हम ये मान सकते हैं कि क्लोजर है? Yes. क्या हम ये मान सकते हैं कि असोसिएटिव है? असोसिएटिव तो एडिशन है ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आइडेंटिटी जीरो इज देयर इनवर्स। कैसे ढूंढेंगे? टेबल से पता लगा लो, जीरो खुद अपना इनवर्स है, वन का इनवर्स कौन है, वन को किस में ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी जीरो मिले, तो शायद वन का इनवर्स थ्री होगा। सोचने में अजीब लगता है बट प्रॉपर्टी देखो काम कर रहा है। बाय इनवर्स का मतलब क्या है? मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले, नहीं तो मैं अगर वन को थ्री से ऐड करता हूं तो फोर, फोर माइनस फोर इज जीरो, मुझे जीरो मिलता है। तो इसका मतलब टू भाई साहब खुद अपने ही सेल्फ इनवर्स होंगे, कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। हाँ, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, फोर माइनस फोर इज अगेन जीरो। तो जी हाँ, ये स्ट्रक्चर ग्रुप बन रहा है और ये मेथड शायद काम कर रहा है। अब हम दो से ज्यादा तीन चार पांच वैल्यू के साथ ग्रुप बना सकते हैं अगर ये एडिशन मॉड्यूलो वाला आइडिया हम यूज कर ले तो। फॉलो कर पा रहे हो उस बात को? जैसे अब एडिशन मॉड्यूलो हो सकता है, ठीक उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये ऑब्वियसली माइनस करने से काम नहीं चलेगा, ए मल्टीप्लाई बी डायरेक्ट होगा अगर रिजल्ट एम से कम है तो, अगर रिजल्ट एम या एम से ज्यादा है तो ए मल्टीप्लाई बी, और यहां पर परसेंटाइल एम यानी कि एम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। फॉलो कर पा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के केस में जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। तो खैर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, इफ आई आस्क यू अबाउट दिस वन, फोर्थ वन, जीरो के साथ चेक करने की जरूरत है क्या? जीरो के साथ चेक करने की जरूरत है? नहीं है। मैं बल्कि दूसरे वैल्यू पूछता हूं, आप मुझे मल्टीप्लिकेशन इधर करके बताओ, एट्थ पे, एट्थ वाला फिल करके बताओ, कैसे करोगे? वेरी गुड, एट्थ वाले में मल्टीप्लिकेशन वाला फिल करके बताओ, ट्राई करो जरा, एक मिनट का समय लो, जो डाउट जो कंफ्यूजन है मुझे बताओ। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन मुझे बताइए। तो वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट द सेम वैल्यूज बैक, टू इंटू टू इज फोर, दैट इज ओके, टू इंटू थ्री इज सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय फाइव रिमाइंडर वन, टू इंटू फोर इज एट, एट डिवाइड बाय फाइव रिमाइंडर थ्री, सिक्स में अगेन वन मिलेगा, नाइन में रिमाइंडर मिल जाएगा फोर, थ्री टू जो फोर रिमाइंडर मिलेगा टू, एंड टू इंटू फोर थ्री मिलेगा, ट्वेल्व पर टू मिलेगा, एंड फोर इंटू फोर सिक्सटीन, फाइव थ्री जो फिफ्टीन रिमाइंडर मिलेगा वन। क्या क्लोजर फेल हुआ? नहीं, सेम वैल्यू पे हम रहे, तो क्लोजर है, एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन होता है, आइडेंटिटी थैंकफुली जीरो नहीं है, जीरो से हमारी खानदानी दुश्मनी और वन है, तो आई थिंक क्लोजर भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है। रही बात इनवर्स की, अगेन पूछूंगा, वन का इनवर्स तो वन ही होगा, फोर का इनवर्स शायद यहां पर खुद फोर हो रहा है, आप चेक कर पा रहे हो? कैसे चेक कर रहे हैं? फोर को फोर से ऑपरेट करने पे वन मिल रहा है, दैट इज ओके, और थ्री का इनवर्स होगा टू, टू का इनवर्स हो जाएगा थ्री, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। आई थिंक यहां पर वैल्यूज के साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए, जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या सभी को? तो ये जो दो नए ऑपरेटर हैं, अब इनसे हमें एक मौका मिल रहा है कि आने वाले केसेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम ग्रुप जनरेट कर सकें, यस और नो? यार ये हो रहा है बिकॉज हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कैच इट अप।
बट अगेन जैसा मैंने पहले ही बोला, मेरी इंटेंशन सिर्फ टॉपिक मैच कराने की नहीं है, वैल्यू के साथ हम रिलेट कर पाए और सारा कन्वर्जन प्रॉपर हो, वो चल रहा है। अगर इन जनरल आप कभी भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखें और आपको टॉपिक मिसमैच मिले, तो समझ जाइएगा अभी थोड़ा आगे का वीडियो देखना, एक दो वीडियो आगे क्लिक करेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा। पढ़ा मैं सीक्वेंस में रहूं, थोड़ा बहुत टॉपिक मिसमैच हो सकता है। फोर खुद का इनवर्स कैसे है आप चेक करके देख लो। फोर, ये देखो ऑलरेडी लोग लिख रहे हैं, अगर फोर को फोर से ऑपरेट करो तो वन नहीं मिल रहा क्या? इनवर्स चेक करने का तरीका पता है ना आपको, यू हैव अ प्रूफ, आप चेक करो। फोर को फोर से ऑपरेट करने पे अगर वन मिल रहा है तो फोर फोर का इनवर्स है। फोर इंटू फोर इज 16 एंड 16 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी वन। एक बात अनिधि, मान गए आपकी पार की पसंद और निर्मा सुपर दोनों दोनों। मतलब इसके लिए मैं कोई नई टेक्निक निकालूंगा? अभी उसको समझा रहा हूं एक बात। अच्छा, काफी और भी लोग लाइन में हैं। भाई मैं एक बात बोलते बोलते पागल हो गया हूं, अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनके रिजल्ट पे आइडेंटिटी मिलता है। 2 × 3 करेंगे 6 मिलेगा, 6 / 5 करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 1 मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताओ। आप दोनों के ही स्टेटमेंट पे मुझे एकमात्र 1 रुपए का विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप समझ गए हैं, दैट इज ओके, बट वो रिलेटिवली नहीं चलने वाला। वो तो थोड़े एक क्वेश्चन अगर फिर फंसेगा आगे। आपकी बात बिल्कुल वाजिफ है, बट आप समझिए और मुझ पे इतना विश्वास रखिए, अगर चेंज हो सकता तो क्या मैं कर चुका होता? जी हाँ। दूसरी बात, एज अ टीचर आई डोंट नो, लाइक नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू टीच एंड नो मैटर हाउ कैन यू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट, बट 60 घंटे के 70 घंटे के कोर्स को वैल्यू बाय वैल्यू, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पहले से प्रिडिक्ट करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली देर कैन बी अ मैच, हो सकता कुछ लोग मैच करते हो जानबूझ के, मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम पढ़ाऊँ कैसे भी करूँ, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसको भाव दे ही नहीं रहा होता, मैं अपने हिसाब से चल रहा होता हूँ, कभी एक दो लेक्चर आगे कभी एक दो पीछे, दैट इज इट, मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ। हालांकि सीक्वेंस आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो एक दो आगे पीछे देखेंगे, यू कैन रिलेट विद दैट। यस ठीक है, आप मुझे बताएं ये वैल्यू रिलेट कर पाए। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, 3 और 4 इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 4 केस जल्दी से। 3 और 4 मुझे बताओ, क्या ये ग्रुप है कि नहीं है? बहुत मासूम है, उसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कराने हैं, बट अगेन वो टॉपिक टॉपिक लैग हो रहा है, तो देखता हूं मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। 3 और 4 में जरा मुझे बताएं ये ग्रुप है कि नहीं है। अगेन अगर कुछ बेसिक बीमारियां हैं वो ढूंढिए, क्योंकि अब एग्जाम में हमें कोशिश करना है कि जल्दी से भी सॉल्व करें। नहीं जरा वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करिए, पैटर्न देखिए, मुझे बताइए क्या रिजल्ट होगा। ओके, सो ऑब्वियसली 3 नहीं हो सकता, बिकॉज हाउ कैन यू हैव ग्रुप विदाउट एन आइडेंटिटी, यस और नो? तो बिना आइडेंटिटी के ऑब्वियसली इसको प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं है। एज फार एज मल्टीप्लीकेशन इज कंसर्न,
यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम समझेंगे, आई थिंक देर यू विल गेट जीरो, इजंट इट? टू को टू से ऑपरेट करेंगे आएगा, फोर फोर को फोर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा जीरो। मजे की बात है, क्या यहाँ पर क्लोजर फेल होता नजर आ रहा है? अब ये वो सिचुएशन है कि जीरो को रख भी नहीं सकते और जीरो ला भी नहीं पा रहे हैं। रखेंगे तो इनवर्स फेल होगा, नहीं रख रहे हैं तो क्लोजर फेल हो रहा है। बट कंक्लूजन यही है कि ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 के साथ तो ग्रुप नहीं बन पाएगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा अच्छा ये तो सब होल्ड कर ही रहा है तो ये भी कर ही लेगा, बट नहीं करेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। सो दिस इज नॉट अ ग्रुप। एक केस यहाँ पे ऑब्जर्व किया हमने, जरा 5 6 7 बताओ जल्दी से। बताएं कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा। रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, सो फिफ्थ वन विल बी अ ग्रुप अनडाउटेडली। फिफ्थ में किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या? फिफ्थ में ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन, ऑब्वियसली जीरो और स्टार, इसके आगे कुछ बात करने की जरूरत रह नहीं जाती है। जीरो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नेवर गोइंग टू फॉर्म अ ग्रुप। नाउ हियर इफ यू सी 1 2 3 4 एंड प्लस एडिशन, यहां पे जीरो नहीं है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज मिसिंग। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है? नहीं, मैं साथ साथ कुछ कंटेंट चेक कर रहा हूं कि इसमें कुछ फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, बहुत थोड़े बड़े होंगे बट धीरे धीरे मैं चाह रहा हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन सुधरे। ये टेबल सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अगर जरूरत हो या आपको महसूस हो कि जरूरत है तो आप उसको फिल करके भी देख लें, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, वरना अगर आप रिलेट कर पा रहे तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। जीरो के साथ सिक्स तक जाएंगे, एडिशन है, और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 7, आई थिंक दिस विल फॉर्म अ ग्रुप। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत अच्छे। नाउ अगेन सेम प्रॉब्लम सेम सॉल्यूशन, जीरो मल्टीप्लीकेशन के साथ कभी ग्रुप नहीं बनाएगा। सेम प्रॉब्लम, जीरो के बिना एडिशन में आप ग्रुप बना नहीं सकते। अच्छा, अब एक आइडिया जरा ऑब्जर्व कराता हूं। यहां पे ये वाला ग्रुप होगा कि नहीं होगा मुझे बताएं। 12th वन
एक ऑब्जर्वेशन करिएगा, लास्ट केस में आपने देखा कि हम सोच रहे थे ग्रुप होगा लेकिन बाई चांस जीरो जनरेट हो गया, है ना। अब आप एक चीज क्रॉस चेक कैसे करें, ये जो सेवन है क्या ये प्राइम नंबर है? वेरी गुड, वेरी गुड देवदत्त, सेवन इज अ प्राइम नंबर। ऑब्वियसली आप इनमें से किसी भी नंबर के मल्टीपल को सेवन से डिवाइड करेंगे, कैन यू एवर हैव परफेक्ट डिवीजन? हो ही नहीं सकता, प्राइम नंबर के फैक्टर थोड़ी हो सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके सेवन से डिवाइड करोगे, कभी आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा तो आने का खतरा भी नहीं है, हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि हाँ ये भी ग्रुप बनेगा। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छे। अब आपको करना क्या है, बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे हैं, अलग अलग चीजें मैंने पूछी हैं, कहीं इनवर्स पूछा है, कहीं आइडेंटिटी पूछी है, कहीं ग्रुप पूछा है, उस बेस पे गेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका इनवर्स ये है, उसका इनवर्स क्या है, टेबल्स मैंने बहुत जगह बना के देखे, कई जगह एग्जाम में टेबल गिवन था, कुछ मिसिंग रोज मिसिंग कॉलम्स पूछे हैं। इसको एक बार जरा ट्राई करें, सर थोड़ा सा काम इसमें हमारा और बचा है सब ग्रुप एंड ऑल का, ये आइडिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल बी एट द टॉपिक ग्राफ थ्योरी। मुझे पता है एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या, लेकिन जैसा मैं आपसे आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोबारा करूंगा कि भाई काम आपको करना पड़ेगा, रिविजन नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसको रिवाइज करिए, इसको डाइजेस्ट करिए और फिर दोबारा कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करते हैं। ओके।